सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरला पंड्य, कार्यवाहक प्राचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में निबंध चयनिका पुस्तक के दूसरे निबंध के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक आचरण की सभ्यता है और उसके निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह हैं। सरदार पूर्ण सिंह के बारे में हम यदि थोड़ा बहुत कुछ जानना चाहेंगे तो वे सच्चे आस्तिक, मानवता प्रेमी और उदार व्यक्ति थे। इनकी रचनाएं अंग्रेजी एवं पंजाबी भाषा में लिखी हुई हैं और इनकी सभी जो निबंध हैं वे सरदार पूर्ण सिंह के निबंध नामक पुस्तक में संकलित हैं। इनके निबंधों के जो वाक्य हैं वे कहीं छोटे तो कहीं सरल होते हैं, तो कहीं लंबे और जटिल भी होते हैं। इनके प्रमुख निबंधों में आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, नैनों की गंगा, कन्यादान, पवित्रता आदि हैं। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित यह जो निबंध है आचरण की सभ्यता, वह 1912 में प्रसिद्ध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने व्यक्ति के जीवन में अपने आचरण एवं व्यवहार को श्रेष्ठ बनाने पर बल दिया है। उनके अनुसार हमारे मन के श्रेष्ठ भावों को अपने कर्मों से ही व्यक्त करना चाहिए, ताकि समाज में समरसता एवं आत्मविश्वास का भाव फैल सके। लेखक की दृष्टि में आचरण की सभ्यता की प्राप्ति की साधना में निरंतर लगे रहना ही जीवन है। निबंध के प्रारंभ में सरदार पूर्ण सिंह ने बताया है कि जो आचरण की सभ्यता है उसकी जो ज्योति है वह अधिक तेज और प्रभावशाली होती है। वे लिखते हैं कि विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करते हुए व्यक्ति कंगाल होते हुए भी राजाओं के दिल पर अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। राग अधिक मृदु हो जाता है, विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है, चित्रकला मौन राग अलापने लग जाती है, वक्ता चुप हो जाता है, लेखक की लेखनी थम जाती है, मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नवीन छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आचरण की सभ्यता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह सरल एवं सरस हो जाता है, सर्वसुलभ हो जाता है। आचरण की सभ्यता की भाषा के बारे में वर्णन करते हुए लेखक ने लिखा है कि आचरण की जो भाषा है वह सदा मौन रहती है, और यह जो मौन भाषा है उसके अंदर हमें मुख्य रूप से नम्रता, दया, प्रेम और उदारता के जो भाव हैं वो दिखाई देते हैं। और इस प्रकार मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव है वह चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग भी वह बन जाता है। आगे लेखक के अनुसार यह कहा गया है कि जो आचरण की भाषा है वह न पीली, न काली, न सफ़ेद और न कहीं स्थान विशेष की होती है, बल्कि इस हमारे मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे संसार और जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुले व्यक्ति आचरण के बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है, नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं और इसका जो प्रभाव है वह प्रकृति में भी देखा जा सकता है कि जो सूखे काष्ठ यानी लकड़ियां हैं वो भी हरी हो जाती हैं और सूखे जो कुएं हैं वे भी भर जाते हैं, नए नेत्र मिलते हैं और कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव है वह फूट पड़ता है। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास पात, नर और नारी, बालक तक में एक अश्रुतपूर्व सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। आगे लेखक ने लिखा है कि इसकी जो भाषा है वह मातृभाषा और साहित्य भाषा से भी बढ़कर के होती है।
इस भाषा के सामने सबकी जो भाषा है वह तुच्छ होती है। अन्य कोई भाषा इतनी दिव्य नहीं होती है जितनी कि आचरण की जो मौन भाषा है वह दिव्य और ईश्वरीय होती है, उदारी भाव को लिए हो होती है। लेखक ने श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर का उदाहरण दिया है कि उन्होंने जो मौन की भाषा है, प्राकृतिक मौन की भाषा से एक क्षण जो है उसके अनुसार पूरी रात बिता दी थी। तो मौन व्याख्यान की जो प्रभुता है, जो दिव्यता है, वह अत्यधिक दिव्य और श्रेष्ठ है। आगे वे इसी भाव का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि प्रेम की भाषा है, वह शब्द रहित है और जो हमारे शरीर में भी नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा है वह भी शब्द रहित होती है। यानी हमारा जो आचरण है वह प्रभाव है और जो शील है वह सच्चे आचरण से ही गढ़ा जा सकता है। वे लिखते हैं कि न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न इंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से, जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़ों को मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। उसके बाद में वे आगे हिमालय पर्वत का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यह जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण एक दिन में नहीं हुआ है। यह जो हमें अति सुंदर, अति ऊंचा और गौरवान्वित मालूम होता है उसको बनाने में अगणित शताब्दियों का जो परिश्रम है वह हमें दिखाई देता है, इसमें वह लगा हुआ है। और यह जो हिमालय है वह आचरण के ऊंचे कलश वाले मंदिर के समान दिखाई देता है और यह एक दिन में इसका निर्माण नहीं हुआ है। आचरण की सभ्यता की जो अत्यल्प छटा है वही हमें दिखाई देती है, बाकी पूरी तरह से उसके दर्शन नहीं होते हैं। आगे भी लिखते हैं कि पुस्तकों में जो नुस्खे लिखे हुए रहते हैं और वेद और शास्त्र भी यदि घोल कर पी लिए जाएं तो श्रेष्ठ आचरण की, आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। शब्दों और वाणी से साधारण जीवन के चोचले हैं, हम आचरण की गुप्त गुहा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेखक ने बताया है कि जो वेद हैं वे भी संस्कृत भाषा को व्यक्ति के जीवन में नहीं उतार सके हैं। तो ईश्वर की जो भाषा है वह सदा मौन है और ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं है, वह केवल आचरण के कान में गुरु मंत्र फूंक सकता है, केवल ऋषि के अंतकरण में वेद का ज्ञानोदय कर सकता है। उसी प्रकार से लेखक ने लिखा है कि किसी का भी आचरण यदि हिल जाए तो वह वास्तविक आचरण नहीं होता है। वास्तविक आचरण हमारे मन में हमेशा बना हुआ रहता है, हम कितने ही ज्ञानी क्यों न हो जाएं, लेकिन हर व्यक्ति के साथ में हमारा आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए और उसका जो प्रभाव है वह भी श्रेष्ठ रूप में व्यक्ति तक जाना चाहिए। लेखक ने लिखा है कि व्याख्यानों द्वारा, उपदेशों द्वारा, धर्म चर्चा द्वारा कितने ही पुरुषों और नारियों के हृदय पर जीवनव्यापी प्रभाव पड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता, प्रभाव तो सदा आचरण का पड़ता है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मठ और हर मस्तिष्क में होते हैं, मस्जिद में होते हैं, परंतु उनका प्रभाव हम पर तभी पड़ता है जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा होता है, मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्मा होता है, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर और रसूल होता है। यानी कि जो भाव उपदेश में होते हैं वह जब तक जो उपदेश देने वाला व्यक्ति है उसके अंदर नहीं होते हैं तब तक उसका प्रभाव भी व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। वह चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण के अनुसार व्यवहार भी करना पड़ता है।
आगे डॉक्टर पूर्ण सिंह ने एक उदाहरण देते हुए समझाया है कि किसी डूबती हुई कन्या का को यदि कोई ब्राह्मण बचाता है तो वह किस देश की है, कौन से जाति की है यह नहीं पूछता है। तो यह जो मौन भाषा है वह श्रेष्ठ है और उसके प्रेम को और उसकी जो उदारता का जो उसने जो अपना भाव प्रदर्शित किया है उसको हर कोई समझ जाता है, हर कोई उसे बता सकता है, क्योंकि प्रेम का जो आचरण है और उदारता का जो आचरण है, दया का आचरण है, तो उसे पशु, मनुष्य और जगत के सभी चराचर अपने आप ही समझ लेते हैं। लेखक ने इस प्रकार की भाषा को भाष्यहीन भाषा का चिन्ह बताया है। शुद्ध मौन का नाद और हास्य भी बच्चों के समान इसे भाष्यहीन भाषा बताई है, यानी लेखक के अनुसार बच्चों में जिस प्रकार से भोलापन, मासूमियत होता है, उसी प्रकार से इसमें भी सभी प्रकार के जो भाव हैं, आचरण की सभ्यता का भाव, वह दिखाई देता है। लेखक ने दूसरा उदाहरण एक शिकारी राजा का दिया है, जो कि शिकार करते हुए अंधेरी रात में कहीं जंगल में भटक गया है और रास्ता है वह बर्फानी है, पानी बरस रहा है और ठंडी हवा भी उसे लग रही है और उसके पास किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं है। तब वह एक पहाड़ी पर जो एक झोपड़ी में, गरीब किसान की झोपड़ी है, वह दिखाई देती है। वहाँ पर जो टिमटिमाती हुई बत्ती है उसकी लो में वह जब जाता है तो वहाँ देखता है कि उसकी स्त्री है और दो तीन बच्चे रहते हैं और वह किसान है, वह शिकारी को राजा को अपनी झोपड़ी में ले जाता है और उसने आग जलाई है, उसने वस्त्र सुखाए हैं और रोटियां खाने को दी हैं, खुद भी खाया है, शिकारी को भी खिलाया है। ऊन और रीछ के चमड़े के नरम और गर्म बिछौनों पर उसने शिकारी को सुलाया है और उसको प्रेम और आदर सत्कार दिया है। तो लेखक ये कहना चाहता है कि यह मनुष्य क्या ईश्वर से कम है जो पवित्र और निष्काम भाव से उसकी रक्षा कर रहा है, रक्षा के उपक्रम कर रहा है। उसके पास साधन सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी वह अतिथि सत्कार में जो रक्षा का भाव है उसमें पूरी तरह से डूबा हुआ है और अपने हिस्से की जो चीज़ें हैं वो भी उसमें दे रहा है। तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर के बहुत ही निकट होता है। लेखक ने आगे भी कहा है कि जो ईश्वरीय औदार्य का भाव है वह मनुष्य में भी निहित रहता है, बस उसमें आचरण की सभ्यता होनी चाहिए और मनुष्य मात्र के प्रति जो भाव है वह होना चाहिए। अधिक से अधिक भलाई करने का भाव है, दया का भाव है, वह व्यक्ति के मन में आ जाता है तो उसके आचरण में अपने आप मिठास हो जाती है। इसी प्रकार से लेखक ने पवित्रता और अपवित्रता का वर्णन करते हुए कहा है कि जो जगाई और माधव दोनों यदि लुटेरे थे और महाप्रभु चैतन्य के सामने नहीं आते तो उनकी जो ऐसी जो आचरण संबंधी दृढ़ता है वह कैसे आ सकती थी। इसी प्रकार से उन्होंने सूरदास का भी वर्णन किया है, जो कि नग्न स्त्री को देख करके और उनके मन में जो भाव हैं वह दूसरी बार परिवर्तित रूप में आ गए हैं और यह जो सांसारिक मोह माया है उससे परे उठ करके उन्होंने सूर सागर की रचना करके और श्रेष्ठ जो भाव हैं वह हमें दिए हैं। इसी प्रकार से मार्डलिन वेश्या हैं, वह भी यदि पहले बुरे कार्यों में नहीं रही होती तो फिर अच्छे कार्यों का महत्व किस प्रकार से वह समझ पाती हैं। और आगे लेखक ने ध्रुव का वर्णन किया है, बालक ध्रुव है, उसकी सौतेली माता है, वह भी अपनी कठोरता से ध्रुव को अटल बनाने में सहायक होती है, जितनी कि स्वयं ध्रुव की माता भी नहीं हो पाती है, क्योंकि व्यक्ति बुरी परिस्थितियों में, विपरीत दिशाओं में और जो जीवन की दुखद स्थितियां हैं उसमें भी यदि वह रह करके श्रेष्ठ बनता है तो वही व्यक्ति वास्तव में श्रेष्ठ होता है। बाकी
व्यक्ति यदि अपने आप को जीवन में समर्पित करते हुए यदि किसी भी जगह से कुछ भी नहीं सीखता है तो वह उसके जीवन का ही बुरी दशा कही जा सकती है। जीवन को जीने के लिए सीखने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्र पवित्रता। जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ हो रहा है। अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के सहयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्रात्मा कहते हैं। लेखक के अनुसार हम यदि अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से भरी हुई जो अंधकारमय पोथरी है उससे निकल करके स्वच्छ और सुंदर वायु से परिपूर्ण खुले देश में अपने आचरण खोल देते हैं, तब हम जो धर्म के गूढ़ तत्व हैं उसको समझ सकते हैं। वे कहते हैं कि कविता, साहित्य, पीर पैगंबर, गुरु आचार्य, ऋषि आदि के उपदेशों का लाभ उठाने का यदि आत्मा में बल नहीं तो उनसे क्या लाभ है। व्यक्ति स्वयं यदि जागरूक नहीं होगा, स्वयं यदि स्वस्थ नहीं होगा शारीरिक और मानसिक रूप से, तब तक वह उपदेशों का लाभ भी नहीं उठा सकता है, आचरण की पवित्रता में जो भाव है उनको नहीं ला सकता है। आगे लेखक ने कहा है कि जगत के जो संप्रदाय हैं, जो धर्म हैं, वो कई प्रकार की अनजानी अनदेखी वस्तुओं का वर्णन करते हैं जिससे कि हम रूबरू होकर के और अधिक से अधिक हमारा जो जीवन है श्रेष्ठ बना सकते हैं। लेकिन यह जो हमारे जो नेत्र हैं, हमारा जो मन है वह माया पटल से बंध है और माया जल से हम आबद्ध होने के कारण उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं या हम उसको समझना नहीं चाहते हैं। लेखक ने कहा है कि हम जब तक बालक के समान सरल मन वाले नहीं रहेंगे, ऋषि के समान हम जब तक श्रेष्ठ भावों वाले नहीं बन सकेंगे, तब तक हम जो आचरण की सभ्यता है, आचरण की जो पवित्रता है उसको नहीं समझ पाएंगे। जबकि ऋषि लोग होते हैं, जो सरल मन वाले लोग होते हैं, वे टूटे फूटे शब्द में भी और तुच्छ से तुच्छ जो वस्तुएं हैं उसमें भी उस उत्तम पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं और अपना जो जीवन है वह श्रेष्ठ बनाते हैं। अतः लेखक का कहना यही है कि राजा में फकीर और फकीर में राजा छिपा हुआ है। इसी प्रकार से बड़े पंडित में मूर्ख छिपा है और बड़े से बड़े मूर्ख में पंडित, वीर में कायर और कायर में वीर सोता है, पापी और महात्मा और महात्मा से पापी डूबा होता है। लेखक के अनुसार वह आचरण जो धर्म संप्रदायों के अनुचरित शब्दों को सुनता है हम में नहीं है। अप्रेम, पवित्रता, हत्या और अत्याचार इसी के कारण से होते रहते हैं। कोई भी धर्म संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक हैं। लेखक के अनुसार धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता, सच्चा साधु ही धर्म को गौरव देता है। हाँ, अपने कार्यों के द्वारा किसी भी धर्म को श्रेष्ठ बना सकते हैं, अपने आचरण के द्वारा हमारे धर्म का परिचय हम दे सकते हैं। लेखक ने लिखा है कि आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्री का जो संसार संभूत शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सब का क्या एक पुरुष और क्या एक जाति के आचरण के विकास के मामलों से संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण को संगठित करने वाले धर्म का अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों न हो, वह निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता है
कि एक ही प्रकार के रास्ते को अपनाकर हम अपना अपना जो रास्ता है, अपनी जो मंजिल है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सबको आचरण की पवित्रता के साथ में जो जीवन के सोपान हैं वो प्राप्त करने हैं, और इसी प्रकार से नाना प्रकार के कष्टों के साथ में, अनुभवों के साथ में यह जो जीवन का रास्ता है वो बनता चला जाता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। आज की इस वीडियो में ये आचरण की सभ्यता का आधा भाग ही वर्णित किया गया है। जो वीडियो का जो निबंध का आधा जो भाग है उसे अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।